हे गाइस, प्रोफेसर नीति त्रिवेदी हर और आज हम देखने वाले हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो ना देखा हो मास डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी तो ज़रूर से जाके देखें और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में डिटेल से देखेंगे और साथ में एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ दिख रहा है आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। ज़्यादातर तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से ही फ्लूइड मैकेनिक्स में लिखा जाएगा, यानी इसमें ऐसा नहीं है कि दोनों याद रखने चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं और उसको एस से डिनोट करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ स्पेसिफिक वेट ऑफ अ फ्लूइड डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब स्पेसिफिक वेट क्या है? अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो आपको पता है स्पेसिफिक वेट इज अ वेट डेंसिटी। सो मैंने आपको बोला है कि दोनों नाम याद रखने हैं, जो वेट डेंसिटी है वही स्पेसिफिक वेट है। तो मैंने वहाँ नाम दिखाए थे आपको कि स्पेसिफिक वेट वेट डेंसिटी है, और उसी तरह से अगर सिर्फ डेंसिटी लिखा हो, अगर सिर्फ डेंसिटी लिखा हो तो हमने समझना है कि वो मास डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सो इट इज़ अ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट और यू कैन से वेट डेंसिटी ऑफ अ फ्लूड, एंड दिस फ्लूड कैन बी एनी थिंग। फ्लूड कोई गैस हो सकता है, वेपर हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है। सो वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूड डिवाइड बाय वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड। अब यहाँ स्टैंडर्ड फ्लूड में अगर हम लिक्विड के बारे में बात कर रहे हो, यानी समझ लीजिए मुझे कोई पेट्रोल के लिए फाइंड करना है, केरोसिन, कोई भी ऑयल हो या कोई भी लिक्विड के बारे में जब बात हो रही हो, तब मुझे स्टैंडर्ड फ्लूड क्या लेना है? तो मुझे लेना है वाटर। तो यही फॉर्मूला हो जाएगा स्पेसिफिक वेट ऑफ जो भी आपको लिक्विड दिया गया हो वो, यानी जो भी हो, केरोसिन हो, ऑयल हो, पेट्रोल हो, जो भी हो, कुछ भी हो। सो स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट लिक्विड डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, यानी तब स्टैंडर्ड फ्लूड हमारा हो जाएगा वाटर। और उसी तरह से अगर जब गैस के बारे में बात हो रही हो तब स्टैंडर्ड फ्लूड हम लेंगे एयर को एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपने ये ध्यान रखना है, कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है दैट स्टैंडर्ड फ्लूड एट 4 डिग्री सेल्सियस इज वाटर एंड फॉर 0 डिग्री सेल्सियस इज इट्स एयर। समझ में आ रहा है? अब वही यहाँ मैंने लिख के आपको दिखाया है कि अगर हम अभी लिक्विड के बारे में बात कर रहे हो तो यही फॉर्मूला स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको डिनोट करते हैं एस से, दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ वेट डेंसिटी और डेंसिटी। सो ये फॉर्मूला अगर हमें सब में क्या दिया गया होगा, ध्यान से देखें, अगर हमें सब में डेंसिटी दी गई होगी तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला हो जाएगा कुछ ऐसे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ, हमारे पास क्या रहेगा, स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर। वेरी गुड, तो ये रहेगा वाटर। बट अगर हमें सब में दिया गया होगा क्या, अगर मुझे सब में दिया गया है, मुझे वेट डेंसिटी दी गई है, तो उस टाइम मेरा फॉर्मूला हो जाएगा वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है? सो मुझे क्या दिया गया है सब में, उसके साथ मुझे ये वैल्यू लेनी है कि मुझे क्या यूज़ करना है। सो मैंने यहाँ अभी दोनों लिखे हैं कि जो आपको दिया गया है वो आपको लेना है। सो दिस लिक्विड कैन बी, यहाँ भी मैंने लिखा है, ऑयल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो रहेगा हमारा वाटर। और अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि आपने फाइंड करनी है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दी गई हो और आपको वाटर भी, आपकी वाटर की डेंसिटी तो आपको पता ही होती है कितनी होती है, आगे ही हमने देखा है कितना होता है, जो डेंसिटी होती है वो होती है 1000 kg/m³, और जो वेट डेंसिटी होती है बोलिए क्या होती है, 9810 N/m³। और अगर हमें लेना हो किलो न्यूटन में तो इसको कर दीजिए 1000 से डिवाइड, तो यही वैल्यू हमें मिल जाएगी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। तो इस तरह से हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड को सब्जेक्ट बना देंगे और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से अगर हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी हो तो हम डेंसिटी उस लिक्विड की फाइंड कर सकते हैं। अब ये होता क्या है और क्यों यूज़ होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी करता क्या है आखिर?
तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है बच्चों, वो हमें देता है लाइटनेस और हैवीनेस ऑफ लिक्विड एज कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि हमें कुछ तो स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, यानी उससे हमें पता चले कि ये कितना लाइट है और उससे ये कितना हैवी है। समझ में आ रहा है? यानी हम मुझे क्या बताएगा, ये वाटर से कितना लाइट है, हल्का है, और वाटर से कितना भारी है। सो मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या देगा, समझ में आ रहा है, मुझे वो देगा कि वो कितना लाइट और हैवी है। और अब आपने याद क्या रखना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1, जो आपने याद रखना है, सब में वो नहीं देगी, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। और इसी तरह से आपको ये भी याद रखना है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मर्क्यूरी का है वो होता है 13.6, ये भी आपने याद रखना है, ये दोनों सब में नहीं दिए गए होंगे, तो आपने ये ध्यान रखना है। अब मैंने यहाँ लिखा है कि इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज लेस देन 1, अगर समझ लीजिए मुझे कुछ दिया गया, समझ लीजिए एस इक्वल टू 0.9 दिया गया, यानी वो 1 से कम है। अगर वो 1 से कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिक्विड मुझे दिया गया है, जो भी फ्लूड है, यहाँ हमने कॉमन टर्म फ्लूड यूज किया है, क्योंकि वो वेपर हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट समझ लीजिए अगर वो लेस देन 1 हुआ तो वो क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि वाटर से कितना है, वाटर से क्या हुआ, लाइट हुआ, समझ में आ रहा है, यानी हल्का है वजन में, समझ में आ रहा है। सो ये मुझे पता चलता है। और इसी तरह से यहाँ देख लीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी मुझे मर्क्यूरी की मिली 13.6, विच इज़ ग्रेटर देन 1, इसका मतलब हुआ कि दिस मर्क्यूरी इज 13.6 टाइम हैवियर देन वाटर। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। चलो जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में हमें यहाँ दिया गया है कि हमने फाइंड करनी है वेट डेंसिटी, और जो डेंसिटी है पेट्रोल की हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.70, यानी मुझे सिर्फ दिया गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी वो दिया गया है मुझे एस, एस इज़ अ 0.7। सो अब क्या करना है, हमें पता है डेंसिटी और दी गई है और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास है। सो हमें पता है डेंसिटी वाटर की पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, तो जब हमें सिर्फ डेंसिटी होगी तब हम क्या करेंगे, हमने लिखना है ये वाला फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ अ 0.7 डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी यहाँ हमारे पास क्या है, हमें दिया गया है डेंसिटी, यानी हमें फाइंड करना है पेट्रोल के बारे में। सो दिस रो पेट्रोल डिवाइड बाय डेंसिटी हमें पता है वाटर की होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और अगर वेट डेंसिटी की बात कर रहे हो तो होता है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, बट यहाँ सिर्फ डेंसिटी है, यानी कि मास डेंसिटी की बात हो रही है। जल्दी से रो जो ये है उसको बना दीजिए आप सब्जेक्ट, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और मुझे जो आंसर है वो मिल जाएगा 700 बुलेना, इसका यूनिट होगा केजी पर मीटर क्यूब, बिकॉज इट्स अ मास डेंसिटी। उसी तरह से यहाँ ख़त्म नहीं होता, हमने अभी वेट डेंसिटी भी फाइंड करनी है, बट हमें पता है कि हम अगर हमारे पास मास डेंसिटी हो तो वेट डेंसिटी इजीली फाइंड हो सकती है, जो हमने दो फॉर्मूला देखे थे, तो वो होता है गामा इज इक्वल्स टू रो इनटू जी। तो यहाँ रो आपने गलती से और कोई नहीं लिखना, यहाँ वाटर की बात नहीं हो रही, यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ देखिए सब में हमें दिया गया है पेट्रोल। सो यहाँ मुझे पेट्रोल की जो मैंने डेंसिटी फाइंड की है वो लिखनी है, सो विच इज़ अ 700 केजी पर मीटर क्यूब, और जी तो आपको पता है कितना होता है 9.81। सो इसी तरह से मुझे मिल चुका है, और आगे भी मैंने बोला था कि वेट डेंसिटी को किसी लोकल ऑथर बुक में उसको लिखा गया है स्मॉल डब्ल्यू, और रेफरेंस बुक में उसे गामा से डिनोट किया है, तो आपको घबराना नहीं है, चाहे कोई भी बुक में कुछ भी हो, बट ये आपको बता रहे कि हमने फाइंड की है वेट डेंसिटी, तो ये हमें मिली न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर यही वैल्यू चाहिए किलो न्यूटन में तो हमने कुछ नहीं करना, 1000 से डिवाइड करें, तो यही वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो हो जाएगी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।